केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि ना ही उन्होंने खीर बनाने के लिए आरजेडी से दूध मांगा है और ना ही बीजेपी से चीनी। खीर बन रही है और वो कह रहे हैं कि इशारों में कि लालू यादव के यादव को और लालू यादव के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है और उनके साथ मिलकर के खीर बनाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि वो एनडीए छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे इसमें ऐसा नहीं लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए से अलग होने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो चाह रहे हैं वही तो बीजेपी चाह रही है। बीजेपी भी चाहती है कि राजद की बपौती ना रहे यादव समाज। यादव समाज भाजपा के साथ भी आए, भाजपा भी लगी हुई है और उपेंद्र कुशवाहा यदि इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी मंशा है, तो एनडीए को मजबूत करने के लिए। ये भी तो उनकी मंशा है कि वो ये कह रहे हैं कि लालू यादव की छाया को लोग लतियाते हैं और फिर उनके समाज को अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर उनका लालू यादव के प्रति भी है। देखिए, लालू यादव की तरफ से एक बार उनको न्योता भी जा चुका है कि वो महागठबंधन में आ सकते हैं। वो किन परिस्थितियों में कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सच्चाई है कि लालू यादव बिहार के यादवों के सिंबल नहीं हैं, वो भ्रष्टाचार के सिंबल हैं, वो अपराध के सिंबल हैं और उस अपराध के कारण वो इस हालत में हैं। किसी ने उनको फंसाया नहीं है, उन्होंने जो अपराध किया, जिस तरह का उन्होंने काम किया, उसका उन्होंने उन्हें दंड मिल रहा है। इसमें न तो यादव समाज का दोष है और ना एनडीए का कोई दोष है। उपेंद्र कुशवाहा तो उनके प्रति बड़ा सॉफ्ट रह रहे हैं, उनके प्रति, उनके खिलाफ जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, वो ये सब कुछ नहीं कर रहे। यहाँ तक जब सवाल किया जाता है कि क्या आप आरजेडी में जाएंगे, तो वो इनकार भी नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनका अपना तरीका है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी आरजेडी में जाने जैसा कोई संकेत एनडीए के पास नहीं है। वो बिहार सरकार पर भी एनडीए मान के चल रही है कि वो हमारे साथ हैं और अगला चुनाव हमारे साथ लड़ेंगे। तो क्या दबाव की राजनीति है? जहाँ तक बिहार में कभी कभी वो सरकार के लगता है कि बोल रहे हैं सरकार के लिए, कभी कभी असहज जैसी बातें बोल देते हैं, तो इसलिए कि उनकी इच्छा है। ये हमारी स्वतंत्रता है कि आप हम अपने सहयोग राय दे सकते हैं, सरकार के काम काज में यदि कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही है तो ये सुझाव दे सकते हैं। हमारी सरकार उसी रूप में लेती है। ऐसा तो नहीं कि सीटों को लेकर के भी, क्योंकि वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सीटों का फैसला बंटवारा पहले हो जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। देखिए, सीटों का बंटवारा हम लोगों के हाथ में नहीं है, वो दिल्ली करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इसलिए क्या है नहीं है उस बारे में कुछ भी कहने का हमको अधिकार नहीं। कह रहे हैं कि एनडीए का अगला चेहरा कौन हो मुख्यमंत्री का, वो भी पहले तय हो जाना चाहिए, अभी 2019 के पहले ही। उसका कोई समय अभी नहीं है, यदि वो कह रहे हैं तो ये बात मान्य नहीं है। अभी तो लोकसभा का हम चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में हमारे उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, ये सबको मालूम है, और सीटों का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। जिनकी क्षमता है उतनी ही उनकी भागीदारी होगी। तो नीतीश कुमार की क्या क्षमता है? नीतीश कुमार जी की बात हुई है और ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और किनको कितना मिलेगा, लेकिन हमारे सब लोग संतुष्ट होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा इसके लिए मुहूर्त हासिल है, अपने सहयोगियों को सम्मान के साथ साथ रहने की। वर्षों तक अटल जी के नेतृत्व 3 से 4 सप्ताह आज भी रहेगा। 3 से 4 सप्ताह का उन्होंने समय दिया था, वो कब का बीत चुका है, लेकिन कोई अभी तक प्रपोजल नहीं आया। कुछ पॉजिटिव बात है तभी तो सब लोग शांत होकर काम कर रहे हैं, इसीलिए आपस में कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा नीतीश? कोई इंतजार नहीं है, नीतीश कुमार जी हमारे सम्मानित नेता हैं और एनडीए के तो बिहार में सर्वोच्च नेता हैं। कितने सीट देंगे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? कोई संख्या का निर्धारण हम नहीं कर सकते और ना ही मुझे इसकी जानकारी है, और जो भी जानकारी होगी और नीतीश जी के राय से ही होगी। और सब लोग हमारे इतने बड़े सब लोग नेता मिलेंगे, सभी दलों के केंद्रीय और शीर्ष नेतृत्व, और मिलकर अच्छा समाधान ढूंढेंगे और ऐसा समाधान ढूंढेंगे कि जो सबके लिए मान्य होगा। कोई इसमें खीर आप पकाएंगे? अब निश्चित रूप से सब मिल के खीर पकाएंगे और सभी समाज इसमें आ जाए, सबका दूध, सबका चीनी, सबका मेवा उसमें डले और सुंदर खीर बने, वही बिहार के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। ये डॉक्टर सीपी ठाकुर कह रहे हैं कि जो आरक्षण का लाभ जो आईएएस अधिकारी, जो बड़े अधिकारी ले चुके हैं, आईपीएस अधिकारी या मंत्री लोग जो इसका लाभ उठा चुके हैं, उस जगह पर पहुँच गए हैं, अब उनको नहीं मिलना चाहिए और गरीब सवर्णों को भी अब आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण का जो सवाल है वो संविधान सम्मत है और संविधान जो मान्यता दी है भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी है। यदि कोई अन्य नेता सीपी ठाकुर जी या कोई बोलते हैं तो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। भाजपा का राय है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो माकूल है और इसे मजबूती करने के लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी लगी हुई है। आपको नहीं लगता है कि ऐसे बयानों से बीजेपी को नुकसान होगा?
नहीं, हमारे यहाँ बोलने की इतनी स्वतंत्रता है कि लोग अपनी राय रखें, किसी की अलग राय हो सकती है, लेकिन आज भाजपा की राय वर्तमान जो व्यवस्था है आरक्षण की उसमें है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।